और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां लखीमपुर खीरी में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। दोनों की ही मौत हो गई है। कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। कार पर विधायक का स्टिकर लगा था और बताया जा रहा है कि ये कार लखीमपुर खीरी सदर के विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम पर है। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा हुआ, दो लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दोनों लोगों की ही मौत की खबर मिल रही है। कार विधायक योगेश वर्मा की पत्नी की बताई जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक जांच में क्या खुलासे हुए? देखिए, जांच में अभी तक ये पता चला है कि जो गाड़ी है जिसका नंबर है UP 31 DA 1001, ये गाड़ी नीलम वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है। और इस आधार पर पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल रात की घटना है, जैसा कि जानकारी दे रहे थे पुलिस के अधिकारी, 8 बजे के आसपास कीरतपुर के रहने वाले दो युवक रवि और सुमित बाइक से निकले हुए थे किसी शादी समारोह में। उनको क्या था, दोनों मौसेरे भाई बताए जाते हैं। और उसी समय ये काले रंग की स्कॉर्पियो जिस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था और फ्लैग लिखा हुआ था, इस गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर थी कि दोनों की को काफी गंभीर चोटें आई। अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। संजय, ये घटना रात की है, उसके बाद लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। जो मुनेन्द्र नाम का ड्राइवर है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया। संजय, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। ABP News आपको रखे आगे।